दुनिया घर द्वार मकान दुकान बकरी पाड़ा पाड़ी लोटा थाली बेचे के सरकार आगे बढ़े चौपट ले जावे साल में एक बार महीना में दो बार हफ्ता में तीन बार पाड़ा के पाड़ी लोटा के खारी जे ना बेची कबाड़ी ओकर पोतो हमार के सास के फूटा फारी माना भल साड़ी खुलल बांगन बाड़ी फिर ना ये चौपट लल कबाड़ी मछली भाभी छोड़ी बोल की कहे ना मारी अरे वो कर की समत बिगड़ी गई अलई का रहलई नाचे में निकल गई तब के जमाना में शहर बदनाम रहे अब तो सुना तबा भैया शहर से बिगड़ल देहात बा अब के छात्र लोग के पढ़े के ना इच्छा बगल में मोबाइल धके होता परीक्षा माई बाप के बोली ना सहाता मौगी खातिर जिलेबी की ना लेके में हरारू ससुराली में रहेला जवन कहे मौगी वही काम करेला अरे माटी में मिला कर इज्जत आउ घर से बिचल गई लड़का रहलाई खड़ी गई देखभाल धनौ जी के हई गवैया हमारे गीतिया के बहु सुनवैया हई समोसा भोजौली वाला तोहरा चरा पर लिख दी है की चले जाओ यहाँ से हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से दोबारा यहाँ कभी नहीं आना गो अवे मत सताओ हमें आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है रिश्ता रिश्ता मैं कुछ नहीं जानता मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो छोड़ दो मुझे मैंने कहा छोड़ दो मुझे I said leave me मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूं हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है हमने चुना है अपनी मर्जी से तो फिर क्यों आए मेरी जिंदगी में क्यों मुझे बदला क्यों बनाया मुझे ऐसा क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां वो प्यार ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठा और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो काजल मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो सिर्फ मुझसे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता Don't touch me. ठीक
ऐसी बात है तो ज्योति को मेरे साथ भेज दीजिए, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। हमारी बहन तेरे साथ? ज्योति चलो मेरे साथ। कहाँ चल दूँ मैं तुम्हारे साथ? मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारे मालिक की बहन हूँ। भैया इसने हमारे यहाँ नौकरी की, हमने इसे 3 वक्त की रोटी दी, लगता है उन रोटियों से इसका पेट भरा नहीं। थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए ना, चला जाएगा। सुन लिया, ये हमारी बहन।